वार्ड 42 बालाजी नगर खुर्सीपार में डायरिया की रोकथाम को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की कवायद जारी है। कुछ प्रभावित मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वही मंगलवार को सुबह एक मरीज को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वार्ड 42 बालाजी नगर खुर्सीपार में पहले डायरिया प्रभावित के इलाज को लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित डायरिया प्रभावित एक युवक को सिविल अस्पताल सुपेला में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर प्रियाम सिंह की निगरानी में योग का उपचार किया जा रहा है। डायरिया प्रभावितों की संख्या तीसरे दिन और बढ़ी है। कुछ प्रभावितों को शहर के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है। जिले के स्वास्थ्य महकमे ने बालाजी नगर खुर्सीपार में कमान संभाली हुई है। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी प्रियाम सिंह ने इलाज को लेकर जानकारी दी है, तो वहीं अस्पताल में बढ़ते मरीजों को लेकर भी जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ, आज भी हमारा डोर टू डोर सर्वे जारी है। हमारे NM स्टाफ मितानिन साथ में सब डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है और इसमें हमने थोड़ा सा केसेस कम हुए हैं। जैसे कि आज पता चला है 8 से 10 केस है और उसमें से चार रिफर हुए हैं और दो खुर्सीपार अस्पताल में एडमिट है, एक बापूनगर अस्पताल में एडमिट है और दो लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट है। इसमें बोला जा सकता है कि पानी कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, कहीं ना कहीं उसका खराब पानी पीने से ही इसका जो प्रकोप दिख रहा है वो है। इलाज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नाइट में भी यहाँ पे इलाज हो रहा है, बापूनगर में भी अस्पताल खुला हुआ है वहाँ भी इलाज हो रहा है, खुर्सीपार में अस्पताल खुला हुआ है उसमें भी इलाज हो रहा है और जो केस यहाँ नहीं संभल पाते हैं उसको हम जिला अस्पताल रिफ़र कर रहे हैं। जनता की जागरूकता के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी उस एरिया के जितने भी पेशेंट हैं, किसी को अगर कुछ भी लग रहा है उस एरिया में पूरे ऐसा केस मिल रहे हैं तो हमको पानी उबाल के पीना चाहिए। अभी एहतियात की तरफ से हमको यही करना चाहिए कि पानी उबाल के ही पिए। मैं डॉक्टर बबीता सक्सेना, यहाँ SMO हूँ, इमरजेंसी ड्यूटी कर रही हूँ 8:30 तक। सुबह सुबह एक पेशेंट निसार अली करके आए थे गौतम नगर से, पहला से उसको भर्ती कर दिए हैं, मोटर मोटर चल रहा है। 3 दिन से हो रहा था उसको लूज मोशन, अगर रात से ज़्यादा हुआ है तो वो भी मेल वार्ड में भर्ती, गौतम नगर वार्ड नहीं है, उसमें लिखा होगा एड्रेस अगर एडमिशन में लिखा हो। हाँ, अभी बेटर कंट्रोल। बहरहाल डायरिया प्रभावित गौतम नगर खुर्सीपार के पेयजल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।